हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आप लोग के लिए लाए हैं मॉडल सेट। जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट का मांग कर रहे थे कि सर मॉडल सेट बता दीजिए, तो वो आज आप लोग के लिए लेके आए हैं। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 वाला ये मॉडल सेट है, क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ये मॉडल सेट। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग डील करने वाले, ध्यान से देखिएगा। ज़्यादातर तो क्वेश्चन सब जानते होंगे, और हम देखें ये जितना भी क्वेश्चन है मॉडल सेट में, सारा क्वेश्चन बैंक से ही लिया गया आपका। अगर क्वेश्चन बैंक तैयारी कर लिए हैं तो सोचो ये भी हो जाएगा, और ये कर लीजिएगा तो सोच लो क्वेश्चन बैंक भी हो जाएगा। बात बराबर है, क्लियर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब बाकी सब पढ़ लीजिएगा, मॉडल सेट तो सबके पास होगा ही ये सारा। जल्दी आओ आओ, हाँ लीजिए। तो ये पहला क्वेश्चन आ रहा आप लोग के सामने, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से देखते हैं। बोल रहा है पृष्ठीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक होता है। समझो, अगर याद हो किसी को तो पृष्ठीय आवेश घनत्व याद करो, हम पढ़ाए थे सिग्मा। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या था? सिग्मा। पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू था क्यू बाय ए। क्या था? क्यू बाय ए, क्लियर है। और इसका मात्रक हम सिखाए थे, चार्ज का होता है कूलम और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर जाएगा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। देखिए है ऑप्शन में कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, देखिए, क्लियर है। तो इसलिए इसका आंसर जाएगा आपका डी। क्या जाएगा? डी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि सर ये बताइए क्या एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। किसका? एप्सिलॉन नॉट का। हर किसी को याद होगा 8.85 × 10⁻¹² फैराड पर मीटर, क्लियर है। इसीलिए इसमें हम क्यों टाइम पास करें, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है जरा सा देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमको बोल रहा है आवेश क्यू से, आवेश क्यू से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सिंपल सा 1/4πε₀Q/r², ये तो बचपन से ही आप लोग पढ़े हैं, तो ये सब में टाइम पास हम नहीं करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स निम्नलिखित में से कौन सही है, यानी विद्युत फ्लक्स का मान पूछ रहा है। यानी समझो जरा ध्यान से, याद करो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि एक गोला है, इस गोले के अंदर हम क्या रख दिए प्लस क्यू आवेश, इस गोले के संपूर्ण गोले से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो गॉस का कहना था किसी बंद सतह के संबंध विद्युत फ्लक्स का मान, किसी बंद सतह के संबंध विद्युत फ्लक्स का मान उस सतह के अंदर रखी कुल आवेश सतह 1/ε₀ के गुणनफल के बराबर होती है। तो बोलो वो आवेश कितना है, प्लस क्यू इंटू 1/ε₀, क्लियर है। तो इसका आंसर होगा प्लस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है ऑप्शन में। तो देखिए ये है ऑप्शन में, ये आंसर हो गया बी, क्लियर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है, ठीक है। विद्युत विभव की कौन स्थिति? निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का व्यंजक। विद्युत द्विध्रुव का कौन स्थिति बाबू? निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का व्यंजक। अगर थोड़ा बहुत भी याद है निरक्षीय स्थिति किसको कहते हैं, समझिए जरा ध्यान से। मान लीजिए एक विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, एक आवेश है माइनस क्यू और प्लस क्यू। तो निरक्षीय मतलब वो विस्वतीय, निरक्षीय मतलब विस्वतीय, ये इसका केंद्र है। तो जरा ध्यान से देखो ये हो गया इसका क्या निरक्षीय, यानी यहाँ पर कहीं बिंदु है, इस बिंदु P पर विद्युत विभव। तो सिंपल सा हम आपको प्रूव कराए थे कि इससे जितना दूरी होगा इससे भी दूरी सेम होगा, एक माइनस एक प्लस से दोनों का विभव समान होगा, एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा। इसको जोड़ के टोटल निकाले थे, कुल विद्युत विभव जीरो आया था। कितना आया था? जीरो। इसका आंसर जाएगा शून्य। कितना? शून्य। याद करो विस्वतीय रेखा पर विद्युत विभव कितना होता है? जीरो, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, तो हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो बोल रहा है आवेशित संधारित्र के संग्राहक पट्टिका तथा संग्रहण पट्टिका का आवेश का योग होता है। यानी आप बताए थे संधारित्र में दो प्लेट होता है, याद है दो प्लेट होता है। तो एक मान लो क्या है संग्राहक पट्टिका और एक है संघनन पट्टिका। मान लो इस पर प्लस आवेश है तो इस पर क्या? माइनस। और याद करो हम सिखाए थे जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा दूसरे पर। अगर इस पर चार प्लस है तो इस पर कितना हो जाएगा? चार माइनस। तो जोड़ दोगे, यानी इस पर अगर प्लस 4 तो इस पर माइनस 4, जोड़ोगे कितना हो जाएगा बाबू? जीरो। तो इसका टोटल आंसर हो गया जीरो है ऑप्शन में, ए नंबर है, क्लियर है। इतना ही आसान क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट देखते हैं।
बाबू ये क्वेश्चन तो कुछ दम ही नहीं, आवेश का बीमा होता है 80, आवेश का बीमा 80, क्यों? आवेश का मात्रक था कूलम, कूलम को हम लोग एम्पियर सेकंड में बोलते थे, बीमीय सूत्र ए का ए होता है, एस का क्या होता है टी, तो इसका बीमीय सूत्र हुआ 80, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पे आ रहे हैं हम लोग, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, वोल्ट प्रति मीटर, तो याद करो एक फॉर्मूला पढ़ाए थे, ई इक्वल टू माइनस डीवी बाई डीआर, क्लियर है, याद होगा, तो बोलो विद्युत क्षेत्र का डी माइनस डी बी बाई डी आर, वी मतलब विभवांतर, इसका मात्रक होता वोल्ट, और ये दूरी का मात्रक होता मीटर, तो वोल्ट बटे मीटर किसका मात्रक होता है, विद्युत क्षेत्र का, है ऑप्शन में विद्युत क्षेत्र डी, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है देखिए क्वेश्चन क्या, आपेक्षिक परावैद्युतता का मात्रक होता है, तो इसका सही आंसर कोई नहीं, बोलो क्यों, आपेक्षिक परावैद्युतता यानी आपेक्षिक परावैद्युतशीलता एप्सिलॉन आर, और हम बताए थे एप्सिलॉन आर बराबर होता है एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट, किसी माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक या सापेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं, तो सोचो इसका जो मात्रक होगा इसका भी मात्रक वही होगा, दोनों के मात्रक सेम, तो दोनों मात्रक कट जाएगा, लास्ट में कोई मात्रक नहीं बचेगा, एक्चुअल में ये जो आपेक्षिक विद्युतशीलता है ये कैसी होती है, बीमाहीन राशि होती है, इसका कोई मात्रक वगैरह नहीं होता, लेकिन यहाँ ऑप्शन में ऐसा था ही नहीं, ऑप्शन में देखो बीमा दिया था तीन ठो में, तो सिंपल से इसमें से कोई नहीं, चूंकि इसका बीमा होता ही नहीं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है दो समान धारिता सी वाले संधारित्र के समांतर क्रम में जोड़े हैं पर उसकी समतुल्य धारिता होती है, सुनिए ध्यान से, याद करो हम सिखाए थे जैसे समांतर में अगर जोड़े हैं, ठीक है, अगर इसका धारिता सी वन रहता है इसका सी टू, तो इसका समतुल्य धारिता सी इक्विवेलेंट बराबर हो जाता है सी वन प्लस सी टू, सी वन प्लस सी टू, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, दोनों संधारित्र धारिता सी है, यानी सी वन का वैल्यू भी सी है, इसका भी वैल्यू सी है, रख दो सी प्लस सी, यानी इसका आंसर टू सी है ऑप्शन में, चलिए लीजिए आ गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, हाँ देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है म्यू अपवर्तनांक, म्यू अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले, म्यू अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कौन होता है, म्यू माइनस वन इंटू ए, याद करो विचलन कौन, हम डेल बराबर पढ़ाए थे म्यू माइनस वन इंटू ए, क्लियर है, तो ये हो गया आंसर, क्लियर है, म्यू माइनस वन इंटू ए। आगे बढ़ते हैं, हाँ चलिए देखिए ध्यान से, बोल रहा सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम होता है, सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम, फ्रॉनहोफर का नाम सुने हैं, तो फ्रॉनहोफर का कहना था कि सूर्य प्रकाश का जो वर्णक्रम होता है वो होता है कैसा, वो होता है डार्क, डार्क यानी ब्लैक, क्लियर है, अंधेरा जैसा, क्लियर है, और वो जो होता है बिल्कुल एकदम रेखा होता है, डार्क लाइन के रूप में होता है, यानी काली रेखा का वर्णक्रम होता है, इसका आंसर हो जाएगा सी। अब ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, देखिए समान सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता, अरे कोई भी बच्चा भी जवाब दे देगा इसका, एम आवर्धन क्षमता सामान्य समायोजन में माइनस एफ ओ बाय एफ ई, याद करो माइनस एफ ओ बाय एफ ई, ए नंबर, क्लियर है। नेक्स्ट बोल रहा है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, याद करो सबसे सबसे अधिक होता है किसका, हीरा का, किसका, हीरा ऑप्शन में है, क्यों, क्योंकि हम बताए थे हीरा सबसे अधिक क्या होता है, कठोर होता है, जो जितना सघन होगा उसका उसका अपवर्तनांक भी उतना अधिक होगा, क्लियर है, तो इसलिए हीरा क्यों चमकता है आपको पूर्णांतरिक परावर्तन में समझाए भी थे उस दिन। अब चलिए आ जाता है क्या, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है, फ्रिंज का चौड़ाई याद करो इतना हम आपको पढ़ाए थे बीटा इक्वल टू लेमडा डी बाई डी, ये पढ़ाए थे आपको, क्लियर है, लेकिन यहाँ दिया डी लेमडा बाई डी, बात बराबर है, कुछ नहीं सिर्फ इसको इधर कर दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो 11 का क्वेश्चन दे दिया है, लेकिन फिर भी जब दे दिया, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर, ये 11 क्लास का है, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, कोई भी आप तुरंत जवाब दे दीजिएगा, देखिए कितना आसान है, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस मेकर सूत्र सही है, याद करो लेंस मेकर सूत्र फॉर्मूला पढ़ाए थे 1 बाय एफ इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू टू बाय म्यू वन इंटू सर माइनस वन, वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू, देखो ऑप्शन में है एक भी है ये आ गया, ठीक ए नंबर में ही मिल गया, क्लियर है, देखो कितना आसान सब क्वेश्चन रहता है। अब चलिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है निम्नलिखित में से
कौन पानी का अपवर्तनांक के लिए सही है, इसमें से कौन सा पानी का अपवर्तनांक का सही मान है। क्लियर है, पानी का अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है 4/3, 4/3। इसको सॉल्व करोगे तो मेरे ख्याल से 1.33 आंसर कितना डी। क्लियर है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अरे ये तो क्वेश्चन 10 वाला है, बोल रहा सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, हर किसी को याद होगा 25 सेंटीमीटर। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। ठीक है, अच्छा निम्नलिखित में से कौन से कुसी का समीकरण, कुसी और सर कौची, ठीक है कुसी मतलब कौची, कौची का समीकरण याद करो। कौची का समीकरण हम पढ़ाए थे म्यू इक्वल टू ए प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर प्लस सी बाय लैम्डा स्क्वायर, इस तरह करके। ठीक है, तो ये सही है क्या ऑप्शन में है, इतना ही दिया है आपको, ये लास्ट ये टर्म नहीं दिया, इतना ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं, यही जाएगा। क्लियर है, सी। और देखते हैं 21 नंबर, बोल रहा निम्नलिखित में से कौन सा परिकीर्णित प्रकाश की तीव्रता तथा प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के लिए सही है। याद करो प्रकाश के परिकीर्णन और उसके प्रकाश का तरंग दैर्ध्य के भी संबंध सिखाए थे, याद करो रेले रेले का कहना था प्रकाश के परिकीर्णन की तीव्रता व्युत्क्रमानुपाती होगी प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के, है ऑप्शन में, देखो देखो ये मिल गया। ठीक, आंसर डी। अब चलिए आते आते हैं आगे। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के लिए, ठीक है निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के लिए माध्यम बदलने से नहीं बदलता है, यानी कौन सा चीज है जो माध्यम बदलने के बाद भी नहीं बदलेगा। आवृत्ति, अपवर्तनांक, वेग, तरंग दैर्ध्य, इसका सही आंसर आवृत्ति। क्यों, हम सीखा है आवृत्ति माध्यम बदल जाएगा तो भी प्रकाश का आवृत्ति नहीं बदलेगा, ये कांस्टेंट होता है, नोट में लिखवाए हुए थे जब आपको अपवर्तन पढ़ा रहे थे। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, कौन सा संबंध सही है, तो ये याद रखिएगा कालांतर जो होता है वो होता है 2π/λ/पथांतर। क्लियर है, कालांतर इक्वल टू 2π/λ/पथांतर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ है, निम्नलिखित में से कौन सा विनाशी व्यतिकरण के लिए सही है, विनाशी व्यतिकरण के लिए सही कौन सा है। तो याद करो विनाशी व्यतिकरण के लिए हम सही तो कालांतर पढ़ाए थे, फॉर्मूला हम पढ़ाए थे आपको 2n+1λ/2, ये था 2n+1λ/2, एक्चुअल में हम ये पढ़ाए थे आपको। लेकिन यहाँ ऑप्शन में देखो कहीं पर भी लेमडा तो नहीं दिया है, लेकिन याद रखिएगा लेमडा बराबर होता है 2π, लेमडा बराबर होता है 2π, तो पाई बराबर हम मान सकते हैं λ/2, यानी इसको इधर ले गए, तो ऐसा भी तो कर सकते हैं जहां पर λ/2 है उसके जगह हम पाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो λ/2 को हम पाई लिख सकते हैं, तो इसीलिए बोलो ये जो इक्वेशन है कैसा हो जाएगा 2n+1λ/2 के जगह कितना पाई, यानी ये हमारा गया ऑप्शन। क्लियर है, दिख रहा है बी नंबर, क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के लिए मुख्य, प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारण है, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारण है। याद करो तरंग देर बोले थे प्रकाश का तरंग देर बदलेगा तो रंग बदल जाएगा, लाल रंग का तरंग देर सबसे अधिक, बैगनी का सबसे कम, हम बोले थे तरंग देर बदलता है तो रंग भी बदलता है, सिंपल सा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आवेश रहित है, किस पर आवेश नहीं होता है, तो आवेश किस पर नहीं होता, फोटोन पर, क्योंकि फोटोन तो ऊर्जा है। ठीक है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। आगे जाते हैं, बोल रहे निम्नलिखित में से किसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है, ऊर्जा, याद करो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम आपको पढ़ाए थे, याद करो कार्यफलन, बोले थे किसी भी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा के मान को कार्यफलन कहते हैं, इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा नापा जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊर्जा को नापते हैं, सिंपल सा। क्लियर है, ये सब तो बच्चे वाला क्वेश्चन है भाई, क्यों इस तरह पूछ देता है, ठीक करता पूछ जाता है। निम्नलिखित में से कौन फोटोन की ऊर्जा के लिए सही है, कौन से फोटोन की ऊर्जा के लिए सही है, एकदम सिंपल सा, याद करो E=SC/λ, ठीक है हो गया, क्लियर है। अब चलो आ जाते हैं, तरंग संख्या के बराबर होते हैं, अरे गजब क्वेश्चन, ठीक बहुत ही आसान, याद करो हम सिखाते हैं रेडबर्ग का समीकरण तरंग संख्या का मान बताते, तरंग संख्या को न्यू बार से यूनिट करते हैं, इसका फॉर्मूला था 1/λ है ऑप्शन में, ये मिल गई है नंबर। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध नाभिक की त्रिज्या के लिए सही, याद करो रदरफोर्ड बोला था
कि जो किसी नाभिक की त्रिज्या होती है वो समानुपाती होती है उसके द्रव्यमान संख्या के घनमूल के, उसके द्रव्यमान संख्या के घनमूल के। तो हम इसको बोले थे, इसको अगर समानु इसको इसको लिख सकते हैं a पर पावर 1/3, घनमूल को ऐसे लिखते हैं। तो r समानुपातिक चिन्ह हटाए थे, कॉन्स्टेंट लाए थे, r नॉट इंटू ए पर पावर 1/3 ये जाएगा, जिसको कहे थे कि आर नॉट क्या था, अनुभाविक नियतांक, जिसका वैल्यू तो 1.2 × 10⁻¹⁵ मीटर। यूनिटेड का क्वेश्चन है ऑप्शन में ए नंबर, क्लियर है। आ जाते हैं, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, कौन सा संबंध सही है। ये जो ऑप्शन है बाबू ये यू है, ये क्या है यू, यू मतलब ए एम यू, यू मतलब ए एम यू, हम बोले थे याद करो सॉरी परमाणु मात्रा इकाई हम जब पढ़ाए थे एटॉमिक मास यूनिट यानी ए एम यू, हम बोले थे ए एम यू को यू से भी डिनोट करते हैं। और हम आपको सिखाए थे 1 AMU बोलिए या फिर 1 U बोलिए, इसका वैल्यू होता है 1.67 × 10⁻²⁷ kg, 1.67 × 10⁻²⁷ kg है ऑप्शन में ये ठीक, 1.66 है मतलब 1.67 ही हुआ माइनस 27 kg, डी नंबर, क्लियर है। अब आगे देखते हैं, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा औसत आयु के लिए सही है, औसत आयु कौन सा सही है। तो याद करो हम आपको पढ़ाए थे टी एवरेज इक्वल टू 1/λ, टी एवरेज इक्वल टू 1/λ, लेकिन यहाँ आपको टी एवरेज को हम यहाँ पर टी नॉट से डिनोट कर दिया, टी नॉट बराबर हो जाएगा 1/λ, ऑप्शन है ये गया सी नंबर। आगे देखते हैं, ये तो एकदम जो बोले थे वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, याद करें एग्जांपल में भी लिए थे। बोल रहा है यूरेनियम 238-92 में न्यूट्रॉन की संख्या होगी, ठीक है, समझिए हम आपको सिखाए थे कोई भी तत्व को x से डिनोट करते हैं, नीचे जो रहता है वो क्या होता है उसका, सॉरी गलत लिख दिए, नीचे जो रहता है वो रहता है परमाणु संख्या, ऊपर जो रहता है उसको तो कहते हैं द्रव्यमान संख्या, क्लियर है। और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हम सिखाए थे द्रव्यमान संख्या में परमाणु संख्या घटा दो निकल जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या, सिखाए थे, तो लो घटा दो ना बाबू, न्यूट्रॉन का संख्या पूछ रहा है 238 - 92 घटाइए 6, ठीक है, 23 में गया 9, कितना हुआ 16, 166 है ऑप्शन में, सॉरी अरे 114, 23 में 9 गया 14 ना बचेगा 16 हम बचा दिए, ठीक है सॉरी हो गया था थोड़ा 146। अब देखिए बाबू ये क्वेश्चन हमको नहीं आता, प्लीज माफ करना, द्विआधारी बाइनरी नंबर हमको नहीं आता है, ये कंप्यूटर में सिखाया जाता है और हम कंप्यूटर नहीं पढ़ा है, क्लियर है, तो इसलिए हमको ये सब नहीं सिखाया गया है, हम नहीं सीखे, हम बहुत कोशिश की हमको समझ में भी नहीं आया, इसलिए इसको छोड़ देते हैं, ये भी छोड़ देते हैं, ठीक है, दो आ जाते हैं फिर यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, 70 ठो 35 ठो ही बनाना, सिर्फ हम 2 ठो यही छोड़ेंगे, क्लियर है, हम आपको टोटल 68 का क्वेश्चन आंसर देंगे, 68 का, ठीक है, उसमें 35 ठो बनाना आपको, क्लियर है। तो देखो बोल रहा और गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है, और गेट याद कर और गेट, ठीक है, शायद यही था और गेट, हम बोले थे ए डालेंगे बी डालेंगे तो वाई बराबर मिलेगा ए प्लस बी ऑप्शन में, हाँ ये ए प्लस बी इक्वल टू सी, हम जो वाई माने थे इसको जगह सी मान लिया, बात बराबर है, ठीक है। अब चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है, चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है, एक्चुअल में चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है बाबू, चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्लियर है, क्योंकि हम सिखाए थे चुंबकीय आघूर्ण यानी एम बराबर आईए, याद करो मैडम आईए, याद करो ट्रिक भी सिखाए थे मैडम आईए, इसका यूनिट होता है करंट का एरिया मतलब एम्पियर और एरिया का मीटर स्क्वायर, एक्चुअल में होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर ऑप्शन में हमको एक भी नहीं दिख रहा, टी तो कोई मात्रक पढ़े ही नहीं किसी का, क्लियर है, तो इसीलिए ऑप्शन ही हमको चारों गलत लग रहा है, इसीलिए हम इसका सही जवाब क्या बताएंगे, हम ही को आंसर ऑप्शन गलत लग रहा है, तो इसका सही आंसर होता है वो एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये चुंबकशीलता होता है, चुंबकशीलता, ठीक है, तो चुंबकशीलता म्यू बराबर होता है B/H, क्लियर है, B/H, क्लियर है, तो B क्या है चुंबकीय क्षेत्र और H धारणशीलता, दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं चुंबकशीलता, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अब ये आ गया, देखिए निम्नलिखित में नमन कोण के लिए कौन सही है, नमन कोण के लिए कौन सही है, याद करो हम सिखाए थे
बी कॉस डेल बराबर बी एच और बी साइन डेल बराबर बी बी, दोनों का रेशियो करो, बी से बी गया तो साइन बाय सॉरी कॉस डेल बाय साइन डेल। अच्छा इसको पलट देते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहाँ गया ये गया इरेजर, इसको पलट देते हैं फटाक से लिखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए हाँ तो क्या सीखा तो फिर समझिए, बी साइन डेल बराबर था बी बी और बी कॉस डेल बराबर था कितना बी एच, दोनों का रेशियो करेंगे बी से बी गया, साइन डेल बाय कॉस डेल टेन डेल इक्वल टू बी वी बाय बी एच है ऑप्शन में। देखो ए नंबर टेन डेल बी वी बाय बी एच आ गया। अब देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कौन का मान होता है। सोचो ये पृथ्वी है, नमन कौन बोले थे झुकाव कौन, जितना झुकता है, तो जब हम ध्रुव पर चल जाएंगे तो ऐसे झुक जाता है, कितना झुक जाता है ऐसे, यानी ऐसे से इधर झुक गया यानी कितना डिग्री 90 डिग्री है ऑप्शन में सी नंबर 90 डिग्री क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है चुंबक की ज्यामितीय लंबाई तथा चुंबकीय लंबाई में संबंध होता है, ये याद रखना ठीक है। इसका जो चुंबकीय लंबाई होता है वो ज्यामितीय लंबाई का 5/6 गुना होता है क्लियर है, ये सब याद रखने वाला क्वेश्चन है क्या बताएं। अब निर्वात की चुंबकशीलता यानी म्यू नॉट का वैल्यू होता है, याद करो म्यू नॉट का वैल्यू हम क्या सिखाते हैं 4π × 10⁻⁷ क्लियर है। आ जाइए आगे, बोल रहा है निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, निर्वात में ठीक है, निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति होता है अनंत, क्या होता है अनंत, उसको रोकने वोकने वाला कोई नहीं होता, आराम से जाते रहता है क्लियर है। बोल रहा है निर्वात में चुंबकीय सिर्फ विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल होता है, याद करो सी बराबर 1/√εϵ/5 ठीक है। अब देखिए एक्स किरने के तरंग दैर्ध्य का मान होता है, एक्स किरने देखो ये लॉजिकल क्वेश्चन है 10⁻⁷ मीटर ठीक है, ये जो है और यहाँ देखो 10⁷ मिलीमीटर, इसको अगर चेंज भी करेंगे तो ये पॉजिटिव में आएगा यानी 10⁴ मीटर आ जाएगा, यानी 10,000 मीटर बहुत बड़ा, ये भी बहुत बड़ा है ये भी बहुत बड़ा है, तो इतना बड़ा नहीं होता है, जब भी होता है ये सब छोटा का तरंग है ठीक है, ये सब जो भी एक्सरे हुआ यूवी रे होगी ये सब बहुत छोटा होता है इसका तरंग दैर्ध्य, तो सबसे छोटा मान यही है ठीक है, तो इसलिए ये जाएगा, वैसे नैनोमीटर में होता है लेकिन फिर भी 10⁻⁷ मीटर पे दे दिया तो ये भी सही माना जाएगा क्लियर है। ये तो बाबू बच्चा लोग सब जानता होगा ठीक है ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, याद करो ये वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के समांतर ठीक है, फिगर के नीचे भी बताए थे ठीक है, अगर नहीं याद है थोड़ा सा याद दिला देते हैं, हम इस तरह का फिगर बनवाए होंगे, इधर लिए थे ई वेक्टर, इधर लिए थे बी वेक्टर, इधर लिए थे डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन यानी संचरण की दिशा, इस तरह करके फिगर बनवाए थे आपको, थोड़ा शॉर्ट स्पीड में बना दे ठीक है समझ जाइए, और इसी के नीचे हम आपको लिखे भी थे याद करो क्या लिखे थे, ई वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर के समांतर क्लियर है, तो वही बोला है बाबू। अरे किसी इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान, ये तो बहुत भारी क्वेश्चन दे दिया, अरे किसी इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, इतना मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन। अब चलिए देखते हैं प्लांग नियतांक, प्लांग नियतांक की बीमा होती है किसका, प्लांग नियतांक याद करो, प्लांग नियतांक का मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड, तो यहाँ से इसका बीमा निकाल लो, जूल को कहते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इंटू पर सेकेंड, तो हो गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, तो केजी का होता है एम, मीटर का होगा एल स्क्वायर, सेकेंड का टी पर पावर माइनस थ्री है ऑप्शन में, एम एल टू टी पर पावर माइनस थ्री, एम एल टू टी पर पावर माइनस थ्री, सॉरी गलत बोले गलत बोले गलत बोले ठीक है, अरे थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है हड़बड़ी में, जूल सेकंड होता है, जूल पर सेकंड नहीं जूल सेकंड, तो बोलो बाबू जूल का होता है कितना, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, तो बोलो के जी मीटर स्क्वायर एस पर पावर माइनस टू और वन प्लस वन यानी माइनस वन बचेगा, के जी का एम मीटर का एल सेकेंड का टी आ गया, एम एल टू टी पर पावर माइनस वन, एम एल टू टी पर पावर माइनस वन ए नंबर क्लियर है। निम्नलिखित में कौन सही है, निम्नलिखित में कौन सही है, तो बताए थे 1 eV बराबर 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल क्लियर है, 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल क्लियर है। आगे जाते हैं,
बोल रहा रेडियोधर्मी क्षय के लिए व्यंजक है, याद करो हम सिखाए थे n इक्वल टू एन नॉट ई पर पावर माइनस लैम्डा टी, क्लियर है ऑप्शन में ये, ठीक है ए नंबर। देखो क्या बोला, निम्नलिखित में अल्फा कण के लिए कौन सही है, अल्फा कण के लिए कौन सही है, याद करो अल्फा कण जो होता है एक हीलियम नाभिक के बराबर होता है, हीलियम नाभिक में दो न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और दो प्रोटॉन पाए जाते हैं, याद रखिए दो न्यूट्रॉन दो प्रोटॉन है ऑप्शन में, एक प्रोटॉन नहीं, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन बी, यही सही है, क्लियर है। अब चलिए आगे देखते हैं, बोल रहा संभव कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है, याद करो यूनिटेड का था, कहना था बोर का कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं कक्षा में घूमेंगे जिसका कोणीय संवेग एच बाय टू पाई का पूर्ण गुणज होगा, जिसका फॉर्मूला लिखे थे एल इक्वल टू एन एच बाय टू पाई, क्लियर है। कैथोड किरणें समूह, कैथोड याद करो कैथोड किरण यानी नेगेटिव, नेगेटिव किस पर होता है, बीटा पर या इलेक्ट्रॉन पर, क्लियर है सिंपल सा ये इलेक्ट्रॉन के। बोल रहा है परमाणु में अवस्थित मूल कण, परमाणु अवस्थित मूल कण कौन कौन है बाबू, परमाणु में परमाणु पाए जाते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, और याद करो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं, सिंपल सा ये इलेक्ट्रॉन तथा न्यूक्लियॉन्स यानी इसमें आ गया सर। आ जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा, देखो क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किरचॉफ के प्रथम नियम का संरक्षित होता है, याद करो प्रथम नियम यानी धारा का नियम क्या, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। अब बोल रहा आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार कुंडली पर, आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर आई धारा बहने के कारण चुंबकीय बल क्षेत्र होगा यानी चुंबकीय क्षेत्र, याद करो बी बराबर सिखाए थे म्यू नॉट आई बाई टू आर, म्यू नॉट आई बाई टू आर है ऑप्शन में, म्यू नॉट आई बाई टू आर ए नंबर में मिल गया। निम्नलिखित में से कौन सही है, 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10^6 जूल, यही मिल गया फर्स्ट है सही, फिर क्या दूसरा देखना। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सही है, निम्नलिखित में से कौन सही है, देखो कैसे सही निकलेगा, याद करो चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर हम सिखाए थे एफ बाय एम नॉट, एफ बाय एम नॉट, क्लियर है। तो बोलो बल का मात्रक होता है न्यूटन और इसका मात्रक होगा एम्पियर मीटर, तो न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर है ऑप्शन में, एक टेस्ला बराबर ये, तो इसका आंसर ए नंबर। अब चलिए देखते हैं क्या बोल रहा, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, हम बोले थे वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जितना अधिक होगा वो उतना अच्छा होगा इन अनंत, ठीक है आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत, क्लियर है। अब देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है ए मीटर की धारा सुग्राहिता, सुग्राहिता मतलब संवेदनशीलता, याद करो हम संवेदनशीलता सिखाते जो देखते हैं बटे जो देते हैं, जो देखते हैं बटे जो देते हैं, तो देखते हैं क्या विक्षेपण और देते क्या धारा यानी ए नंबर। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक है, स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी, याद करो स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी। अब ये निम्नलिखित में से प्रत्यावर्ती धारा के लिए कौन सही है, प्रत्यावर्ती धारा के लिए कौन सही है, याद करो आई आर एम एस इक्वल टू 0.70 आई नॉट। निम्नलिखित में से प्रेरणिक प्रतिघात के लिए कौन सही है, प्रेरणिक प्रतिघात, प्रेरणिक प्रतिघात, प्रेरणिक प्रतिघात एक्सएल, एक्सएल बराबर सिखाए थे एल ओमेगा, ठीक है एक्सएल बराबर एल ओमेगा है हमेशा यही ओमेगा एल बोलो या एल ओमेगा बोलो बात बराबर। बोल रहा है निम्नलिखित में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र सी रहने पर धारितीय प्रतिघात का मान होता है, सिर्फ सी, तो सोचो प्रत्यावर्ती धारा में सी है यानी क्या धारितीय प्रतिघात है एक्सी, और एक्सी बराबर होता है 1/C ओमेगा, 1/C ओमेगा है ऑप्शन में, 1/C ओमेगा यही चल जाएगा, सी ओमेगा बोले या ओमेगा सी बोले बात तो बराबर है। अब ये देखो क्या बोल रहा है, एल आर परिपथ का प्रतिबाधा, याद करो प्रतिबाधा जो होता है एच जेड, एल आर प्रतिपथ का होता है, परिपथ का होता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का वैल्यू कितना होगा एल ओमेगा के स्क्वायर, तो लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है ऑप्शन में, अरे यहीं तो मिल गया सी नंबर। बोल रहा प्रत्यावर्ती परिपथ में 220 वोल्ट का शिखर मान है, 220 वोल्ट का शिखर मान, सुन लो बाबू जब भी ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन देखो जरा सा क्या यहाँ पर बोल रहा है, ये बोल रहा है इसका शिखर मान होता है यानी शिखर मान पूछ रहा है, क्या ये बोल रहा है ये कौन सा मान है, औसत मान है या फिर वर्गमाध मूल मान है,
जब कुछ नहीं बोले तो सोच लेना ये क्या है, वर्गमाध्य मूल मान। कौन मान? वर्गमाध्य मूल मान यानी ई आर एम एस। ये आपको दे दिया गया ई आर एम एस बराबर कितना, 220 वोल्ट। और हमसे पूछ रहा शिखर मान यानी ई नॉट क्या होगा, ई नॉट क्या होगा। तो याद क्रम सिखाए थे आपको फॉर्मूला ई आर एम एस बराबर ई नॉट बाय रूट टू। तो बोलो ई नॉट बराबर होगा कितना, ई आर एम एस इंटू रूट टू। तो ई आर एम एस कितना है, 220 वोल्ट रूट टू। आंसर इतना 220 रूट टू है, ऑप्शन में है बी नंबर। बोल रहा है धारावाही प्रेरित, क्या बोल रहा है, धारावाही प्रेरित में चुंबकीय ऊर्जा होता है, धारावाही प्रेरित में चुंबकीय ऊर्जा होता है। कौन ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा। किसमें, धारावाही प्रेरित में कौन ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा होता है। तो चुंबकीय ऊर्जा हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर, सिंपल सा, ठीक है, कहाँ चल गया, हाफ एल आई स्क्वायर। ये देखो क्या बोल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकारी बल होगा। तो याद करो चुंबकीय बल सिखाया था आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर देंगे। तो एल क्रॉस बी जैसे पढ़ाए थे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ए बी साइन थीटा, तो एल क्रॉस बी एल बी साइन थीटा यहीं आ जाएगा। तो इसका आंसर बी। अब देखो 69, निम्नलिखित में कौन व्यंजक विद्युत शक्ति के लिए सही है, कौन सा व्यंजक विद्युत शक्ति के लिए सही है, इसमें कौन सा फॉर्मूला सही है, पी इक्वल टू वी स्क्वायर वाई आर, सिंपल सा ये सब चीज, कुछ थोड़े। अब चलिए आगे देखते हैं। बोल रहा है नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में होती है, देखो सेकेंड में होता है एक सेकेंड, सेकेंड में होता है एक सेकेंड, लेकिन यह मिनट में पूछ रहा था विभेदन क्षमता 1/60 मिनट, क्लियर है, 1/60 मिनट। याद रखिए लेंस का, मानव नेत्र का जो विभेदन क्षमता होगा वो होगा कितना, 1/60 मिनट। अब बाबू क्या है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लो कितना आसान है, ठीक है। लॉरेंज बल से क्या समझते हैं, याद करो कि संयुक्त समरूप चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाली परिणामी बल को लॉरेंज बल कहते हैं, इसे एफएल द्वारा सूचित किया, तो बस उसको लिख देना। विद्युत द्विध्रुव को परिभाषा दें, बताए थे जब दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति दो आवेशों को अल्प दूरी पर पृथक की जाती थी, इस निकाय को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ऐसा ही मात्रक के साथ संधारित्र की धारिता को समझाएं, याद करो धारिता हम बताए थे किसी संधारित्र में संचित आवेश संचित होने की क्षमता को क्या कहते हैं, संधारित्र की धारिता, या किसी संधारित्र में प्रति इकाई विभवांतर पर संचित की गई आवेश को क्या कहते हैं, धारिता। और इसका मात्रक क्या होगा, फैराड, ठीक है। प्रतिरोधकता से क्या समझते हैं, याद करो हम सिखाए थे इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध को क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता। ऐसा ही मात्रक के साथ विद्युत वाहक बल्ब को समझाएं, खुली परिपथ में किसी सेल से जब धारा प्रवाहित नहीं चलता तो उसके सिरों के मध्य विभवांतर को क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल। ऐसा ही मात्रक होता है उसका वोल्ट। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड से क्या समझते हैं, याद करो हम ट्रिक सिखाए थे, बीबी रॉय ऑफ घोरमरा बाजार हैविंग वेरी गुड वाइफ, ठीक है, वो सब सिखाए थे। अनन्य प्रेरण से क्या समझते हैं, क्या सिखाए थे, जब किसी प्राथमिक कुंडली में धारा का मन परिवर्तित उसके कारण द्वितीय कुंडली में भी धारा प्रेरित होती है, इस घटना को अनन्य प्रेरण कहते हैं। क्या बोल रहा है, चौक कुंडली को समझाएं, चौक कुंडली वैसे तो बहुत पुराना चीज है लेकिन फिर भी समझ लो, वैसी कुंडली जो किसी परिपथ में धारा को बढ़ने या घटने से रोके, धारा के परिवर्तन को रोके, उसको क्या कहते हैं, चौक कुंडली। क्या बोल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के दो मानक स्थितियों, हाँ पृथ्वी चुंबक के क्षेत्र में दो मानक स्थितियां को लिखें, ठीक है। हमको भी नहीं समझ में आ रहा, बोल रहा पृथ्वी के चुंबक के तत्व को समझाएं, याद करो पृथ्वी का 3 ठो चुंबक के तत्व होता है, पृथ्वी का 3 ठो चुंबक के नति, चुंबक के नमन, ठीक है, या दिक्पात बोले थे, उसके बाद एक और बोले थे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का 36 घटक, वो सबको लिखना समझाना तीनों को। अपवर्तनांक से क्या समझते हैं, अरे सिंपल सा चाहिए, अपवर्तनांक क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। संपर्क में रखी संपर्कित लेंसों की क्षमता को समझाएं, यानी प्रूव करना लेंस की क्षमता, जब दो लेंस को संपर्क में रखें तो उसको प्रूव करना। निकट दृष्टि दोष का कारण को लिखें, ये सब क्वेश्चन है जी। इंद्रधनुष से क्या समझते हैं, तरंगाग्र को समझाएं, नाभिकीय बंधन ऊर्जा एंड गेट, ठीक है, चुंबकीय पदार्थ, नमन कौन, अर्धचालक, ठीक है, सब तो ये सब चीज सारा किया हुआ, दो नंबरिया एक भी नहीं छूटेगा। और 5 नंबरिया की अगर बात करें, देखो ना किरचॉफ का नियम को लिखें या समझाएं, और इसका उपयोग कर व्हीटस्टोन ब्रिज का संतुलित अवस्था को प्राप्त करें, बोलो ये तो आपका सजेशन में भी दिए थे, ठीक है।
उसके लिए क्या बोल रहा है, विद्युत विद्रोह के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, विद्युत विद्रोह के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना, ये भी पढ़ा है तो। उसके अधि तो बोले ही थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अवतल सतह के लिए लेंथ सूत्र को, सॉरी इस सूत्र को सत्यापित करें, म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर, म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू। क्लियर है? फिर याद करो प्रकाश के परावर्तन के नियम को हाइगेंस के सिद्धांत के सहायता समझाए थे, वो तो है। और गेट और नॉर गेट को एक्सप्लेन करना मतलब समझाना है, मतलब इसको दोनों को संकेत लिख करके इसका सत्यता सारणी लिख देना है। ठीक है, और निरक्षीय स्थिति यानी चुंबक के कौन निरक्षीय यानी विषुवतीय रेखा पर विद्युत, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, हो गया खत्म। यानी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो कि आप नहीं पढ़े थे। क्लियर है? तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा ध्यान से। तो ये मॉडल सेट था आपको मिल गया, और धीरे धीरे इस तरह करके और ऑब्जेक्टिव बता देंगे। ठीक है, और सुन लो, जो टारगेट होगा आप लोग के पास, टारगेट वाला किताब, उससे सारा क्वेश्चन कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव उसी से आएगा। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव वहीं से आना, इसलिए उसको रट जाओ, जैसे भी हो रट जाओ। ठीक है, तो आज इतना ही, थैंक यू।